हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रैंकर्स बेस बी तो आज हम देखने वाले हैं डिफ्रेंसीसन का ऑब्जेक्टिव क्या देखने वाले दोस्तों डिफ्रेंसीसन का ऑब्जेक्टिव देखने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफ्रेंसीसन कम से कम ऑब्जेक्टिव में जहाँ इस बार जो 2021 का एग्जाम हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक मिला आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें डिफ्रेंसीशन कम से कम 18 उन्नीस है इन 18 उन्नीस को यदि आप डिफ्रेंशिएसन कर लेते हैं तो मेरे अंदाज़ से आपको जो है सिर्फ कम से कम पैंतीस मार्क्स सिर्फ कैलकुलेस डिफ्रेंशिएसन और इंटीग्रेशन के दोनों ऑब्जेक्टिव मिला के आ जाते सिर्फ पैंतीस मार्क्स मतलब आप क्या सोचिए डिफ्रेंशिएसन इंटीग्रेशन बनाइए और पैंतीस मार्क्स पाँच मार्क्स आप पाइए तो देखिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएसन देखने वाले हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन देखेंगे इसमें डिफ्रेंशिएसन वी वी आई उठाएँगे और पूछा गया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर होंगे डिफ्रेंशिएसन ऑब्जेक्टिव को उनको हम उठाएंगे देखिए बुक है हमारे पास देखिए ये पर लोगों के लिए है बुक है यहाँ पे देख रहे हैं डिफ्रेंशिएसन है दिखाई दे रहा है कि ना हाँ यही तो डिफरेंशिएसन आप लोगों के लिए यही है इसी में, में से देंगे क्या देंगे इसी भैया इसी में से देंगे आपको डिफ्रेंशिएसन ठीक ना हुँ? तो देखिए आप बने रहिए आप सभी लोग जानते होंगे लिख दिए ऊपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिशन आपका है क्या बोर्ड एग्जाम दो हज़ार बाईस को क्रेक करना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंसिएसन बता दीजिए साने बताइए जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट कीजिए फटाफट फटाफट फटा, फट कमेंट कीजिए डी बाय डी एक्स साइन एक्स साइनेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एक्स का X होगा कि माइनस X होगा कि माइनस साइन एक्स होगा ना होगा जल्दी फटाफट डी बाय साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आपको सिर्फ टेंथ सेकंड दिया जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएसन क्या होगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएसन क्या होगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएसन क्या होगा साइन एक्स का ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि बहुत बार पूछा गया बहुत ही ईजी सवाल है क्या है बहुत ही ईजी सवाल है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएसन समझ रहे हैं तो आप तो देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएसन आप फार्मूला है आप तो फार्मूला पढ़ चुके हैं ना चार छः फार्मूला साइन कोस टेन तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएसन हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोश एक्स तो कोस एक्स देखिए किधर है तो कोश एक्स ए में है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ये आपका राइट आंसर समझ गए ये बहुत बार समझिए दो हज़ार अठारह उन्नीस सत्रह एग्जाम में पूछा गया है ठीक ना अब उसके बाद आइए दूसरा नंबर सवाल पे डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स का डिफ्रेंस बताइए फटाफट फटाफट फट, फटा, फट कॉमेंट कीजिए फटाफट आप फटा लोग देखिए ये जो ई के पावर एक्स दो जो है इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स भैया बताइए फटाफट कमेंट कीजिए 10 सेकंड टाइम आपके पास क्या कितना सेकंड है 10 सेकंड है तो कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए तो देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स e का डिफेंशन क्या होगा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स मतलब डी ई के पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफेंशिएसन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है भैया दोनों सेम होता है ठीक ना ई के पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है कैलकुलस चैप्टर में एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका जो वैल्यू है रियल वही उसका मान होता है हो जाएगा दो का राइट right आंसर क्या हो जाएगा दो का राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा दो का राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए अब right आइए तीन नंबर में डी बाी एक्स कोस रूट एक्स फटाफट कमेंट कीजिए कोस रूट एक्स का क्या होगा डी बाय डी एक्स को एक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं आप फटाफट पट कमेंट कीजिए हम यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं आपको ऑप्शन क्या देंगे ऑप्शन देंगे देखिए वन बाय टू फटाफट कमेंट कीजिए आप क्या कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए इधर इरेज कर देते हैं आप ऑप्शन लिखिए ऑप्शन ऑप्शन क्या देंगे भैया क्या देंगे ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग देखिए तीन नंबर का डी वाई डी एक्स कोस रूटैक्स कास रूटैक्स का आपकलन बताइए कोश रूट एक्स का, का, का डिफ्रेंसिएसन क्या होगा जल्दी बताइए आप बता सकते हैं इसको जानते हैं आप कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए देखिए कोस रूटैक्स तो कोस रूटैक्स का सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले कोस का हो जाएगा माइनस साइन कोस का अकलम क्या होता है साइन रूट एक्स माइनस साइन इसमें जो है बेसिक बात नहीं इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा थोड़ा मोड़ा बेसिक बात ही बता देंगे यदि बेसिक बात जानते हैं तो प्ले लिस्ट पर डाला हुआ इस इधर जो है प्ले लिस्ट पर जाइए वहाँ पर खोजिए डिफ्रेंसिएशन जो है एन सी आर टी का एन सी आर टी का क्या है एन का जो है शुरू से लेके अंत तक फाइव पॉइंट सेवन तक जो है अंत तक डाला हुआ है डिफ्रेंसिएशन एन सी आर टी में तो देखिए कोस रूट टैक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट टैक्स और फिर रूट टैक्स का क्या हो जाएगा रूट टैक्स का हो जाएगा क्या टू रूट टैक्स तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए ऐसा ऑप्शन किधर खोजिए ऐसा ऑप्शन किधर है तो यहाँ पर है तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी तीन का राइट आंसर हो जाएगा सी तो कोस रूट टैक्स का हो जाएगा माइनस साइन रू टैक्स फिर रूट टैक्स का बाटा टू रूट टैक्स ठीक ना तो तीन का राइट आंसर सी हो जाएगा अब आइए चार नंबर के सवाल पे चार नंबर के सवाल देखिए क्या कर रहा डी बाई डी एक्स ये बताइए फटाफट इसको कमेंट कीजिए आप लोग इसको क्या कीजिए कमेंट इसको कमेंट कीजिए इसको जो क्या कीजिए दोस्तों कमेंट कीजिए इसको क्या कीजिए कमेंट कीजिए cinema mein क्या कीजिए 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 कमेंट कमेंट देखिए देखिए है सबसे पहले इसका इसको इसका इसको आप लोग फटाफट क्या होगा इसको इसको कमेंट कीजिए आप बताइए इसका क्या होगा तो देखिए इसका क्या होगा सबसे पहले रूट का करेंगे रूट का जाएगा वन बाय टू रूट एक्स सबसे पहले देखिए रूट वन बाय टू रूट कोट एक्स है एक्स फंक्शन है एक्स का सब मिलेगा लगा हुआ टू रूट कोटेक्स यहाँ भी लगा हुआ सब उसके बाद उसके बाद कोटैक्स का क्या होता है कोटैक्स का होता है इन हो जाएगा माइनस कोशा का स्क्वायर एक्स तो रूट का हो गया वन बाई टू रूट कोटैक्स फिर कोस uh, कोटैक्स का होता है माइनस कोशा का स्क्वायर एक्स सबसे पहले ऊपर में देखिए माइनस कोशा का स्क्वायर एक्स कहाँ लगा हुआ यहाँ लगा हुआ चार का राइट आंसर बी हो जाएगा चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी आइए पाँच नंबर के सवाल पर पाँच नंबर के सवाल आइए भाई ये. बहुत ही ये सब पूछा जाता है आप सोचते होंगे इतना इजी सवाल यही भैया इजी ये सवाल पूछता है हम गारंटी के साथ कह सकते हैं यदि एक सौ ऑब्जेक्टिव इस बार यदि पूछ दिया एक सौ ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जितना हम अभी बता रहे हैं वो सारा फंस जाएगा क्या फंस जाएगा सारा वो टोटल फंस जाएगा और फाइव मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए क्योंकि फाइव मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्ले लिस्ट में डाला हुआ रैंकर्स बी एस बी के ट्वेल्थ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्ले लिस्ट में डाला हुआ सोलह क्वेश्चन से डाल चुका हूं ओनली वी वी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डाला हुआ ठीक है ना तो आते हैं इधर देख लीजिए पांच नंबर के सवाल पे पांच नंबर का सवाल देखिए क्या करा है पांच नंबर का सवाल करा है आपको डी बास टेन एक्स स्क्वायर इसको कमेंट कीजिए फटाफट इसको क्या कीजिए कमेंट कीजिए क्या कीजिए इसको कमेंट कीजिए इसको कमेंट कीजिए क्या कीजिए इसको कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए देखिए डी बा डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर दो हज़ार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया है भाइयों यो दो हज़ार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया कौन सा एग्जाम में पूछा गया दो हज़ार इक्कीस का एग्जाम में तो टेन एक्स स्क्वायर का जो क्या होगा अपकलन टेन एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा होगा टेन एक्स स्क्वायर का उपकलन क्या होगा टेन एक्स स्क्वायर का उपकलन क्या होगा देखिए टेन एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा आपको देख लीजिए सबसे पहले टेन एक्स का करेंगे टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एंगल है एक्स स्क्वायर ठीक उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटू में टू एक्स तो यहाँ पे देख लीजिए आप कहाँ है से एक स्क्वायर एक्स इंटू टू एक्स तो आप देखिए शेक स्क्वायर एक्स इंटू टू एक्स तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले टेन एक्स का से स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स तो यहाँ यह राइट आंसर क्या हो जाएगा सी और टू एक्स यदि आगे भी लगा दें तो आप घबराइएगा नहीं इंटू में लगा टू एक्स को यदि आगे लगाए चाहे पीछे लगाए उसमें कोई डिपेंडेंट डिपेंड depend मतलब नहीं होता है मतलब कि जो जैसे प्लस में है प्लस और इंटू में आगे पीछे आप कर सकते हैं आते छः नंबर के सवाल पे देखिए छः नंबर का सवाल क्या करा अब बने रहिए अब सिर्फ वी वी आई ऑब्जेक्टिव चलेगा इसमें क्या होगा वी ऑब्जेक्टिव इसमें जो है वी ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों इसमें वी ऑब्जेक्टिव सवाल नंबर छः पर आप लोग डी बाई डी एक्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कोस स्क्वायर ठीठा देखिए बहुत ही इजी सवाल है फिदी सवाल है फिदी सवाल है इस सवाल में दम नहीं है बहुत फिदी सवाल है क्या है बहुत फिदी सवाल है क्या है डी बाई साइन स्क्वायर ठीटा प्लस टू कोस स्क्वायर ठीठा सबसे पहले वन जीरो सी नंबर में टू कोश स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीठा डी नंबर में माइनस साइन एस का ठीठा इन टू कोशिश यही है ऑप्शन आपका क्या है यही भैया आपका ऑप्शंस है ठीक ना इन ऑप्शंस में देखिए आपका राइट आंसर किधर है आपका राइट आंसर किधर है तो देख लीजिए टू साइनस का ठीठा प्लस टू कोशस का ठीठा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जीरो क्या हो जाएगा जीरो आप बोलिएगा भैया कैसे जीरो तो सबसे बहुत ईजी सवाल है यहाँ पे देखिए ना टू साइनस का ठीठा प्लस टू कोशस का ठीठा है ना टू थीटा टू टू है कॉमन लीजिए तो साइन एक्टीटा प्लस कितना है टू तो, तो, तो देखिए डिफ्रेंसिएशन में कॉन्स्टेंट का मान हमेशा क्या होता है जीरो आपको बता दिए पहले वाले वीडियो में बहुत बार बताए हैं डिफ्रेंशिएशन में कॉन्स्टेंट का मान जीरो होता है याद रखिएगा जीरो होता है होना पड़ेगा इसको जीरो होता है थ्योरी पे कहता है कॉन्स्टेंट का मान जीरो ही होगा अब आइए सात नंबर के सवाल पे कितना नंबर के सवाल पे सात नंबर के सवाल में ये भी पूछा हो पूछा गया है कितना नंबर पूछा गया है इसका जो है डिफ्रेंशिएसन बताना क्या बताना है डिफरेंशिएशन तो देख लीजिए इनका ऑप्शंस क्या है इनका ऑप्शन है कोस लॉग एक्स बा एक्स बी नंबर में माइनस कोस लॉग एक्स बाई एक्स सी नंबर x डी नंबर में वन बाई एक्स फटाफट कमेंट कीजिए डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा देखिए डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा तो देखिए डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा सबसे पहले साइन का साइन का करेंगे क्या हो जाएगा कोस एंगल तो है लॉग एक्स तो कोस लोग एक्स ठीक तो कोस लॉग एक्स साइन का हो गया कोस लॉग एक्स के रूप में और उसके बाद फिर लॉग एक्स का क्या होगा वन बटा एक्स और कोस लॉग एक्स बट एम एक्स कहाँ है कोस लॉग एक्स बट एम एक्स कहाँ है देख लीजिए वन एक्स कोस लॉग एक्स बटम एक्स नहीं यहाँ पर माइनस लगा हुआ लेकिन यहाँ पर है तो ये आपका राइट आंसर यही हो जाएगा तो कोस लॉग एक्स बटा एक्स का ये आप समझ रहे हैं इसका कैसे हुआ साइन लॉग एक्स का कोस साइन बटा अवकलन क्या होता है साइन एक्स का क्या होता है की जगह आठ नंबर के सवाल पे आठ नंबर के सवाल पे देखिए चलने वाला है पूरा पूरा गर्दा छोड़ा देना है डिफरें का दोस्तों क्या छोड़ा देना है गर्दा बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न ही उठा रहे हैं हम देखिए अरे बहुत इजी है लॉग root x अरे जानते हैं आप इसका जानते हैं हम जहाँ हमको पता है आप इसका जानते हैं लेकिन डिवीजन कर लीजिए लॉग root x का देखिए ऑप्शन यही है इसका फटाफट जवाब दीजिए लॉग रूट एक्स का क्या होगा लॉग रूट एक्स का तो देख लीजिए लॉग रूट एक्स का सबसे पहले लॉग रूट एक्स है तो अब लॉग का लॉग एंगल के तहत कीजिए लॉग का क्या होता है लॉग का होता है वन बाट एक्स फिर रूट एक्स का कीजिए रूट एक्स का क्या होता है वन बाय टू टू रूट एक्स दोनों को कंबाइन कर दीजिए आंसर आपका पूरी क्या देख लीजिए करते हैं लॉग रूट एक्स का क्या हो जाएगा लॉग रूट एक्स वन बाय रूट एक्स वन बाय रूट एक्स ठीक और उसके बाद रूट एक्स का क्या हो जाएगा वन बाय टू रूट एक्स लॉग रूट एक्स का वन बाय एक्स डबल यहाँ रूट वन बाय एक्स फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा वन बाय टू रूट एक्स आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए वन बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो हो जाएगा वन बाय टू एक्स आप खोजिए इसमें वन बाई टू एक्स है कहीं पे लॉन्ग रूट एक्स का जो किए हैं पहले लॉग का वन बाय एक्स फिर रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स अब देखिए यहाँ पे लॉ के लॉ का ये इस इसका इसका ऑप्शन है इसका आंसर सही आंसर है नहीं है यहाँ पे वन बाई टू रूट एक्स यदि रूट एक्स रहता चलता है लेकिन यहाँ पे एक्स है वन बाई एक्स इंटू वन बाई टू रूट एन लोग एक्स नॉन मतलब इसका ऑप्शन नहीं है तो नॉन होगा इन मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं रहता है वहाँ पर ध्यान देखिएगा आप लोग इनमें से कोई नहीं तो लॉग रूट एक्स का समझ गया आप लोग इनमें से कोई नहीं अब आइए नाइन नंबर के सवाल में कितना नंबर के सवाल में भैया नाइन नंबर के सवाल में तो log रूट एक्स का समझ गए हैं। लॉग रूट एक्स में सबसे पहले लॉग एक्स का क्या होता है वन बाइट एक्स लॉग का एंगल है यहाँ पर रूट एक्स लॉग का क्या है एंगल एंगल है रूट एक्स उसके बाद आइए नाइन नंबर के सवाल में देखिए नाइन नंबर का सवाल है एक्स माइनस ए ए नंबर में बी नंबर में सी नंबर में डी नंबर में देखिए, डी बा डी दी एक्स ई के पावर एक्स माइनस दो हजार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया है इस बार जो हुआ था 2021 के एग्ज़ाम में उसी एग्ज़ाम में पूछा गया इन प्रश्नों को इन प्रश्नों को आप हल कर कीजिए और आपसे हल हो जाएगा कैसे होगा सबसे पहले आपको बता दिए ई के एक पावर एक्स एक ऐसा एक्सपोनेंशियल एक ऐसा एक घातांक है जिनका डिफ्रेंसिएशन और इंट्रीगेशन दोनों ही सेम होता है इस बात को ख्याल रखते हुए एक e के पावर पर एक्सपोनेंशियल फन इस पर है पावर सबसे पहले e एक के पावर एक्स माइनस वन तो इसका हमको पता आपको बोले थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे पहले जैसे कहा वैसे होता लेकिन इसके जो पावर है इसका जो पावर है x तो हम x का भी नहीं करेंगे इनटू में x का x का हो जाएगा 1 x को x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा फिर ये ये क्या है कांस्टेंट है तो -0 तो हो जाएगा e के पावर x a 1 में से 0 गया 1 तो हो जाएगा 1 तो हो गया e के पावर x a आप समझ गए कैसे हुआ e के पावर x 1 सबसे पहले e के पावर x 1 e e के पावर मान मानिए पूरा x है e के पावर x माइनस वन जैसे के हम वैसे ठीक ना जैसे आपको पता है ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी e के पावर x होता है उसी तरह e के पावर x है तो ई के पावर x के पावर जो है पावर लिख दीजिए ठीक ना e पे पावर जितना भी रहे ठीक ना जितना भी रहे उसका यदि डिफ्रेंशिएट करना है सबसे लिए के ई को लिखिए उसका पावर जितना भी रहे उनको भी लिख दीजिए ठीक और तब उनके पावर पे आप ध्यान दीजिए अभी पावर पे ध्यान नहीं देना पहले ई को लिखिए उसके बाद पावर पर पा, पावर पे ध्यान देंगे पावर का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स है तो वन हो जाएगा फिर एक कॉन्स्टेंट जीरो तो हो जाएगा ई एक के पावर एक्स माइनस ए नाइन में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ई के पावर एक्स माइनस ए ठीक ना ई एक के पावर एक्स माइनस ए बहुत स्टूडेंट्स ये मार्क आते हैं ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा डी हो जाएगा नाइन का डी हो जाएगा अब आइए टेन नंबर के सवाल में दस नंबर का सवाल क्या कर रहा है दस नंबर का सवाल कर रहा है आपका दस नंबर का सवाल कर रहा है डी बा डी एक्स टू टेन इन्वर्स एक्स टू टेन इन्वर्स एक्स ये भी गया बहुत बार क्या कितना बार पूछा गया बहुत बार पूछा गया बी नंबर में सी नंबर में देखिए दस का राइट आंसर बताइए टू टेन इनवर्स एक्स का 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 डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन टू टेन इनवर्स एक्स का टू टेन इनवर्स एक्स का देखिए टू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपको पता है tan टेन x एक्स का क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर यदि कॉन्स्टेंट टू है तो टू को लगा दीजिए तो हो जाएगा टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर देखिए टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है तो दस का राइट टू टेन इनवर्स एक्स का दस का राइट आंसर सी हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर टू कॉन्स्टेंट टू जैसे कहा वैसे रहेगा ठीक अब दस का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी दस का राइट आंसर सी हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स है क्या है टू टेन इनवर्स एक्स तो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को आप छोड़ दीजिए टेन इनवर्स एक्स का कीजिए तो हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका दस का राइट आंसर सी अब आइए ग्यारह नंबर के ऑब्जेक्टिव पे ग्यारह नंबर के ऑब्जेक्टिव आइए देखिए इसको इस वीडियो को पूरा देखिए आप इस, ठीक ना इनमें मेन मेन वी सब ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं ठीक ना कौन सा ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं वी सब ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं तो देखिए देख, आप, आप देखिए ग्यारह नंबर था ग्यारह नंबर पे आ गया डी बास लिमिट एक्सटेन्स टू जीरो कोस थ्री एक्स कोस थ्री एक्स ये भी दो हजार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया है कि, कि, कितने किसके एग्ज़ाम में दो हज़ार इक्कीस के एग्जाम में तो ए हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स बी नंबर हो जाएगा थ्री एक्स सी नंबर में ज़ीरो डी नंबर में नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं आप देखिए ग्यारह का राइट आंसर फटाफट बताइए देखिए आप में यदि दम है आप फटाफट कमेंट कीजिए ना इनको कमेंट कीजिए और साबित कीजिए कि हम जानते हैं सर हम एग्ज़ाम देने के लायक हैं 2022 के एग्जाम में देखिए सवाल क्या है लिमिट एक्सटेंड टू ज़ीरो कोर्स थ्री एक्स तो कोर्स थ्री एक्स है एक बात मैं कह देना चाहता हूँ लिमिट वाला तो जितना है लिमिट जैसे लिमिट फंक्शन को देखे लिमिट लिमिट को जहाँ देखे वह डायरेक्ट आपका ज़ीरो पुट करता है ठीक ना लिमिट जो है ना कॉन्स्टेंट माना जाता है कॉन्स्टेंट लिमिट को क्या माना जाता है कॉन्स्टेंट यदि कॉन्स्टेंट का यहाँ जीरो हो जाएगा जीरो कोस थ्री एक्सर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा ग्यारह का राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ग्यारह का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी देख लीजिए लिमिट फंक्शन जहाँ भी देखे डिफ्रेंशिएसन कम से कम आपको सौ ऑब्जेक्टिव यदि पूछ दिया तो कम से कम उस ऑब्जेक्टिव में 18 से 19 मार्च का आपका सिर्फ डिफ्रेंशिएसन का ऑब्जेक्टिव रहेगा हम दावा के साथ कहते हैं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा यदि इस वीडियो को पूरा कंसेप्ट के साथ देखते हैं और हम कंसेप्ट के साथ भी बता रहे हैं फॉर्मूला सब बता रहे हैं कहाँ का इसका कैसे उपयोग होगा तो जैसे भी लिमिट का जहाँ देखें लिमिट जैसे देखे वहां मार डायरेक्ट आकर मोन के जीरो मारिएगा लिमिट जैसे देखे लिमिट वहां जीरो हो जाएगा ठीक ना तो आप देखिए लिमिट तो समझ गए कि क्या हो कैसे होगा जीरो अब आइए एक अगला फंक्शन पे ग्यारह नंबर सवाल नंबर बारह पे आइए आप सवाल नंबर बारह पे सवाल नंबर बारह आपका क्या करा सवाल नंबर बारह करा है साइन इनवर्स साइन इन्वर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब यही है बारह नंबर सवाल यही है ठीक ना तो बारह नंबर सवाल पर देखिए ध्यान से इनका ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर रहे हैं बी नंबर में फटाफट कमेंट कीजिए बारह का राइट आंसर क्या हो जाएगा बारह का राइट आंसर क्या हो जाएगा बारह तो का राइट आंसर के आपको बताना इसमें होगा क्या सबसे पहले आप क्या जानते हैं साइन इनवर्स के बारे में साइन इनवर्स के बारे में क्या जाते क्या होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स एक्वायर मतलब ये एंगल जो है एक्स ये एंगल जो है एक्स ये एक्स स्क्वायर होता है उसी तरह इनवर्स का एंगल यदि यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब है ये इनवर्स एक्स का इनवर्स का यदि एंगल है थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब ठीक ना ये एंगल यदि है सबसे पहले फार्मूला में देखेंगे वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब ठीक यहाँ पे वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक यहाँ पर थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स बाय फोर ई तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मीनिंग है कुछ कुछ अलग है डी में कोस थ्री एक्स पे पावर फोर आपका मतलब आंसर ये होगा या ये होगा ठीक ना आंसर ये या ये या ये हो सकता है आपका ये हो सकता हम बता देना था तो क्या होगा आपका आंसर ठीक साइन वर्स है तो साइन वर्स का फॉर्मूला के तहत होता है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्या है एक्स है ये तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब ये एक्स है इनका एक, एक स्क्वायर हो जाएगा अभी देखिए ये ये, चीज़ यहाँ पे दर्शन आ रहा है ये चीज़ कहीं पे नज़र आ रहा है ये है ये चीज़ नज़र आ रहा है तो हो जाएगा बारह का राइट आंसर बी बारह का क्या राइट आंसर हो जाएगा बी बारह का राइट आंसर हो जाएगा बी अब बताइए सर बोलिएगा आप बताइएगा कि सर यहाँ पे तो थ्री एक्स का कहाँ किया माइनस फोर एक्स क्यूब है ई कहाँ चल गया देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जाता है जैसे मान के चलिए साइन टू एक्स है ठीक आपको ऑप्शन में ये आप सोचिएगा टू कोस टू एक्स नजर आएगा तब ये हम मानेंगे यदि मान के चलिए टू कोस टू एक्स नहीं टू कोस टू एक्स नहीं है ठीक और इनमें से कोई भी नहीं है और आपको सिर्फ मिल रहा कौन सा इन इन आपको सिर्फ मिल रहा कोस टू एक्स आपको कोष टू एक्स और कोश टू एक्स के अलावा ऐसा कोई मान नहीं है जो साइन टू एक्स को पुट करेगा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई भी ये भी ऑप्शन नहीं है तो आपको कोश टू एक्स ही लगाना पड़ेगा ठीक ना तो कोश टू एक्स मतलब साइन वर्ष का जब फार्मूला तो तो के तहत तो वन माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के तहत पे एक्स एक्वायर के तहत पे छोड़ दिया है और इसको नहीं चाहिए है यही ऑब्जेक्टिव में दिया है ठीक ना ऐसे यहाँ ऐसे सब फंक्शन पर आप वहाँ कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि की। मतलब यहाँ पे यह ये नहीं दिया है हम क्या करें आप सोचिएगा सवाल गलत है ऐसा नहीं होता भैया ये होगा आपका राइट आंसर बारह का बी ठीक थोड़ा सर्दी हो गया है आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ज़रूर कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी दोस्तों हैं जो जो पढ़ने पढ़ पर रहे हैं और इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो आइए तेरह नंबर के सवाल पे आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब सवाल होने वाला है तेरह नंबर सवाल क्या कर रहा है तेरह नंबर सवाल कर रहा है डी थ्री वाई डी एक्स थ्री एक्स के पावर फोर ए नंबर में देखिए बारह बी नंबर में आठ सी नंबर में चौबीस डी नंबर में छत्तीस देखिए ये कह रहा है ये भी दो हज़ार इक्कीस के एग्ज़ाम में दो हजार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया इधर जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ दो हजार इक्कीस के एग्ज़ाम में सवाल कह रहा है डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री ठीक ना तो डी एक्स थ्री तो कैसे होगा इसको आप थ्री ऑर्डर में डिफ्रेंशिएसन के थ्री ऑर्डर में कन्वर्ट है थ्री ऑर्डर निकालने मतलब कि तीन बार इसका डिफ्रेंशिएसन करना है तीन बार ठीक ना तो सबसे पहले x के पावर फोर का एक बार डिफ्रेंसिएसन करते हैं तो हो जाएगा फोर एक्स क्यू फिर करते हैं तीन बार करना है डी थ्री डी एक्स थ्री का तो पहले हो गया फोर एक्स के पावर एन के तहत एन एक्स के पावर एन माइनस वन तो फोर एक्स क्यूब अब फिर कीजिए थ्री को आगे लीजिए तो चार गुना थ्री एक्स स्क्वायर फिर चार गुना थ्री गुना टू को आगे लाइए एक्स तो हो जाएगा फिर जो है आपका क्या हो जाएगा चार चारिया बारह दूना चौबीस क्या हो जाएगा चार चारिया बारह दूना चौबीस चौबीस एक्स यहाँ पे एक्स लगा यहाँ ऑप्शन में एक्स था सब में एक्स लगा दीजिए देखिए तो चौबीस हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका चौबीस एक्स हो जाएगा ठीक है न तीन बार यदि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चौबीस हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा चौबीस तो समझ चुके होंगे आप लोग यहाँ तक फिर से मैं समझा देता हूँ देखिए एक्स के पावर फोर है ठीक ना तो फोर के लाए फोर फोर में से वन घटा एक बचा तीन अब तीन को लाइए तीन को लाइएगा तो इतना हो जाएगा चार तब बारह हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर टू को लाइए तीन बार करना है तो बारह दो ना चौबीस एक्स चौबीस एक्स हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौबीस एक्स तो तेरह का राइट आंसर सी ठीक ना चौबीस का राइट आंसर तेरह का राइट आंसर सी चौबीस एक्स अब आइए चौदह नंबर के सवाल पे ये सब दो हजार इक्कीस में पूछा गया था सवाल नंबर चौदह जो है सवाल नंबर चौदह पे ध्यान दीजिए डिफ्रेंसिएशन है डिफ्रेंसिएशन ई के पावर लॉग एक्स ई के पावर लॉग एक्स इसका फटाफट देखिए क्या हो जाएगा ई के पावर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा देखिए ई के पावर लॉग एक्स का बताइए ई के पावर लॉग एक्स ई के पावर लॉग एक्स मात्र दो क्वेश्चन और करवाएंगे मात्र दो क्वेश्चन और फटाफट ई के पावर लॉग एक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई के पावर लॉग एक्स इसको याद रखिएगा ई के पावर लॉग एक्स देखिए हम बता रहे हैं ई के पावर लॉग एक्स ई के पावर लॉग एक्स का मान कितना होता है ये फॉर्मूला है आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा वहाँ पर ही थमनेल पर ही लिखा हुआ ई के पावर लॉग एक्स का मान एक्स होता है उसको प्रूव किए हम हम प्रूव किए ई के पावर लॉग एक्स का मान एक्स होता है अब देखिए यदि डी बा डी एक्स है x है तो x का डिफ्रेंशिएशन x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा वन तो हो जाएगा वन e के पावर लॉग x का मान होता है एक्स और x का अवकलन हो जाएगा वन तो हो जाएगा चौदह का राइट आंसर बी d बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में x का अवकलन हो जाएगा वन ठीक ना चौदह का राइट आंसर हो गया बी अब ये पंद्रह नंबर के सवाल पे पंद्रह नंबर पे सवाल पे थोड़ा जो है ना पंद्रह नंबर का सवाल कुछ जो है अलग ढंग का दे रहे हैं ठीक ना देखिए, पंद्रह नंबर का सवाल क्या करा आप लोगों को पंद्रह नंबर का सवाल है डी बाई डी एक्स टू ई के पावर टू एक्स टू ई के पावर टू एक्स इसको फटाफट कमेंट दीजिए टू ई के पावर टू एक्स देखिए पंद्रह नंबर का राइट आंसर पंद्रह का बताइए पंद्रह ऑब्जेक्टिव जो है पंद्रह ये भी दो हज़ार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया दो हज़ार इक्कीस के एग्जाम में पूछा गया है टू के ई के पावर टू एक्स और ये है दो हज़ार सत्रह के एग्जाम में भी पूछा गया ये दो एग्जाम में पूछा गया है तो देखिए मतलब चार साल के बाद ही क्वेश्चन को दोहरा दिया चार साल का बाद ही क्वेश्चन को दोहराया है तो मतलब टू ई के पावर टू एक्स का सबसे पहले आपको बता दिया डिफिनशिएट करना टू कॉन्स्टेंट छोड़ दीजिए ई के पावर एक्सपोनेंशियल फल्सा जितना भी रहे उनको लिखिए फिलहे फिर टू एक्स का तब हो जाएगा आपका टू एक्स का हो जाएगा टू एक्स का टू तो हो जाएगा चार ई के पावर टू एक्स तो चार ई के पावर टू एक्स का किधर है तो पंद्रह का राइट आंसर बी हो जाएगा पंद्रह का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी अब आइए सोलह नंबर के सवाल पर सोलह नंबर के सवाल पर देखिए सोलह नंबर का सवाल क्या हा? सोलह नंबर का है वाई कल सेक टेन वर्स एक्स सेक टेन वर्स एक्स फाइंड करा इसका दी दी एक्स। यह है इसका डी वाई वाई डी एक्स ये है ऑब्जेक्टिव है ये जो है आपका 2009 में पूछा गया था कितना पूछा गया था 2009 में लेकिन इस बार जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ 2010 से 2021 तक का दो, दो का नहीं पढ़ना है लेकिन बता दे, देखिए ज्ञान कोई ख़राबी नहीं होता है इस कंसेप्ट जान लीजिए ख इसका देखिए वाई इक्वल सेक टेन वर्स है इसका पहले आपको ऑप्शन दे देते हैं ऑप्शन क्या है हाँ? आप में एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर बी नंबर में सेक टेन वर्स एक्स इंटू टेन टेन वर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर सी में है सेक टेन वर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी में है माइनस एक टेन वर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर देखिए सोलह का जवाब दीजिए फटाफट सोलह का सोलह का क्वेश्चन आपका वाई क्वाल से टेन वर्स एक्स फाइन डी बाई डी एक्स दो हजार नौ फटाफट लास्ट क्वेश्चन आप लास्ट क्वेश्चन शुभारंभ और देखिए अंत अच्छी तरह से अच, अच्छी तरह के से कीजिए तो देखिए वाई इक्वल सेक टेन एक्स का फटाफट फटा बता दीजिए ना फाइन डी बाई डी एक्स क्या होगा हम भी आपको छोड़ देंगे तो देखिए लीजिए सेक टेन एक्स का आप पढ़े होंगे सेक सेक एक्स का कलम क्या होता है सेक एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स आप देखिए यहाँ पे सेफ टेन इनवर्स एक्स एक्स है तो सबसे पहले सेक एक्स के जगह इनवर्स एक्स पुट करेंगे तो सेव टेन एक्स इंटू टेन टेन इन्वर्स एक्स यहाँ पे सेक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन इन एक्स और टेन इन्वर्स एक्स का भी करेंगे टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन टेन के साथ मल्टीप्लाई होगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो मान आपका आ जाएगा सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स के तहत से टेन वर्स एक्स इंटू टेन टेन वर्ष एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो सोलह का राइट आंसर क्या आ जाएगा सोलह का राइट आंसर हो जाएगा बी सोलह का राइट आंसर बी तो देखिए इसमें जितना भी टॉपिक्स था रूट एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन जितना भी था सब करा दिए देखिए इसी में है इसी में है अवकलन में इतना भी है सब करा दिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक ना और इस इसको जो है आप जो है टारगेट का है टारगेट को जो है आपको किसी भी किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं उनसे आप बनाइए अभी घर में बैठे जो है ना रिविजन कीजिए आप जो है कम से कम बता नहीं क्या अठारह ऑब्जेक्टिव टच कर जाता है सिर्फ डिफ्रेंसिएशन से यदि सौ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है दो में सौ ऑब्जेक्टिव पूछा गया था दोस्तों उसमें अठारह ऑब्जेक्टिव था सिर्फ अठारह नहीं उन्नीस ऑब्जेक्टिव था सिर्फ डिफरेंशिएसन का अब देखिए उन्नीस नंबर सिर्फ डिफरेंसिएशन का आप यदि ऑब्जेक्टिव से ले आते हैं डिफरेंशिएशन मैथ मैथ में मैन में मैथ रखने से कोई दिक्कत नहीं है उन्नीस डिफ्रेंसिएशन से और इंट्रीगेशन से इधर ले आते हैं आप कितना मार्क्स कम से कम इंटीग्रेशन भी से भी पूछ देता है कम से कम दस और इधर वेक्टर थ्री डी सब मिला के आप कुछ ना कुछ करके पैंतीस चालीस यदि कमजोर छात्र हैं चालीस नंबर ला लीजिएगा ले लेकिन स्टूडेंट्स है सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आप इतना नंबर ला सकते हैं लेकिन इतना ऑप्शन दे दिया आप पचास में पचास भी सही करके आ सकते हैं पचास में पचास और इधर तीस नंबर इधर हुआ बीस नंबर इधर पचास तीस अस्सी बीस सौ नंबर आराम से पा सकते हैं ठीक ना पचास तीस अस्सी नंबर तो गारंटी है बीस नंबर को छोड़ दीजिए अस्सी नंबर तो आप कर सकते हैं फाइव पास इतना ईजी कर दिया बिहार सरकार तो आपको बिहार गवर्नमेंट इतना ईजी कर दिया आपको कहीं कहीं जो है ना दिक्कत ही नहीं होगा ठीक तो ला देखिए मैं एक और कंसेप्ट देना देना चाहता हूँ आप लोगों को अभी जो है आप लोग लगभग सारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन जितने अभी सब पढ़ा के आप लोगों को रेडी कर दिए होंगे अभी रूम में घर में मात्र जो है मैथमेटिक्स को कितना टाइम दीजिए मैथमेटिक्स को मात्र मात्र डेली डेली दीजिए अढ़ाई घंटा डेली कितना दीजिए अढ़ाई घंटा अढ़ाई घंटा टाइम दीजिए मैथमेटिक्स को और जो है फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दीजिए दो घंटा ठीक ना हिंदी को दीजिए आप हिंदी को देखिए आप इतना टाइम भी देते हैं तब पर भी आपके पास बहुत टाइम बचता इतना टाइम यदि आप अभी से दे रहे हैं तो आप लोग का जो एग्ज़ाम क्या बताएं चार सौ प्लस आराम से डाल दीजिएगा हिंदी को दीजिए डेली आधा घंटा आधा घंटा डेली दीजिए हो गया इंग्लिश इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिला के एक घंटा डेली पढ़ना आपको इतना मतलब हो गया इधर दो एक तीन तो पाँच साढ़े पाँच घंटा यदि आप डेली पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम को रोकना इम्पॉसिबल है ठीक ना आपके एग्जाम का मार्क्स रोकना इम्पॉसिबल है ठीक ना एक तो बात कह देते हैं मान के चलिए डी बाई डी एक्स है टेन एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स देखिए टेन एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर है इधर इधर टेन स्क्वायर एक्स है इन दोनों में बहुत अंतर है ठीक ना इन दोनों में कितना है बहुत अंतर है टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स में क्या होगा सबसे पहले होगा टू टेन एक्स और तब होगा आपका टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इसमें क्या है टेन एक्स स्क्वायर में टेन एक्स स्क्वायर में है आपका टेन एक्स स्क्वायर का सबसे हो पहले होगा टेन एक्स का तो होता है सेक स्क्वायर एंगल है एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा टू एक्स इंटू में क्या हो जाएगा टू एक्स इस बात को ध्यान में रखिएगा आपको टेन एक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स में बहुत ही आसमान धरती का फर्क है टेन एक्स में एक्स स्क्वायर में इसके एंगल का स्क्वायर है और टेन स्क्वायर में ये खुद ही स्क्वायर के रूप में है इसलिए यहाँ पे सबसे पहले पावर का और यहाँ पे सबसे पहले टेन एक्स का तब तो उसके बाद ये एंगल के पावर का इस बात को आप ध्यान में रखिएगा इस, इस सब चीज़ में इस सब कंसेप्ट में विद्यार्थी बहुत फंसते हैं तो ठीक है दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं इंटीग्रेशन मतलब समाकलन आज यहीं तक जय हिंद जय भारत